साइड है, दैट इज लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट वन। तो जो लॉन्गेस्ट साइड है उसके ऑपोजिट जो आप एंगल लेके चलोगे दैट विल बी द लार्जेस्ट एंगल। तो ए बी आपकी यहाँ पे लॉन्गेस्ट साइड है, ए बी के ऑपोजिट आपका एंगल सी है, एंगल सी इज द लार्जेस्ट एंगल। सेम वे में जो आपका लार्जेस्ट एंगल है उसकी जो ऑपोजिट साइड आप लेके चलोगे दैट वन विल बी द लॉन्गेस्ट साइड। आपने राइट ट्राइंगल्स ली हुई है, राइट ट्राइंगल्स में हमें पता है हम हमेशा क्या लेके चलते हैं, 90 डिग्री के ऑपोजिट हम हाइपो लेके चलते हैं। राइट ट्राइंगल में हमें पता है कि जो हाइपोटेन्यूज है हमारा दैट इज द लॉन्गेस्ट साइड। तो लॉन्गेस्ट साइड हम 90 के ऑपोजिट लेके चलते हैं, क्यों? क्योंकि बाकी के दोनों एंगल्स जो है हमारे वो क्या होंगे, एक्यूट। हमें पता है सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल 180 डिग्री होता है। अगर उनमें से एक एंगल मुझे 90 डिग्री गिवन है तो उसके जो ऑपोजिट एंगल्स हैं बाकी जो एंगल्स होंगे इसके साथ के तो दैट विल बी द एक्यूट एंगल्स, क्योंकि उन दोनों का सम 90 डिग्री बनेगा। तो दे बोथ विल बी लेस देन 90 डिग्री। तो जो आपका लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट एंगल है 90 डिग्री, इसके ऑपोजिट जो आपकी साइड होती है उसको आप हाइपोटेन्यूज लेते हो बिकॉज दैट इज द लॉन्गेस्ट साइड। तो अगर एंगल गिवन है जो है आपका लार्जेस्ट एंगल गिवन है उसके साइड जो ऑपोजिट लोगे दैट विल बी द लॉन्गेस्ट, या फिर अगर लॉन्गेस्ट साइड आपको गिवन है तो उसके ऑपोजिट जो आप एंगल लोगे दैट विल बी द लार्जेस्ट एंगल। ये हमारा कंसेप्ट है इस वाले का। सो दिस वी विल यूज इन प्रूविंग द क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 7.4। सो वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन। इन द फर्स्ट क्वेश्चन वी आर गिवन In the first question we are having, show that in a right angled triangle, the hypo is the longest side. हमें एक right angled triangle given है और हमें show करना है कि जो उसमें hypo है that is the longest side. तो first हम सबसे given लिखेंगे triangle ABC with angle B equal to 90 degree. नेम नहीं गिवन ट्राइंगल का तो मैंने अपने पास से ले लिया यहाँ पे ए बी सी। एंगल बी मुझे गिवन है यहाँ पे 90 डिग्री। अब हमें क्या लेके चलना है यहाँ पे, सेकंड जो है मुझे प्रूव क्या करना है दैट ए सी इज द लॉन्गेस्ट साइड। तो टू प्रूव ए सी इज द longest side। अब देखो इसमें क्या है आपका यहाँ पे कि मुझे जो है एंगल बी 90 डिग्री गिवन है, एंगल ए और एंगल सी जो है मुझे पता है वो एक्यूट एंगल्स हैं यानी कि दे आर लेस देन 90 डिग्री। तो इट मींस हम यहाँ पे अब क्या लेके चलेंगे कि जो एंगल बी है हमारा वो एंगल ए से बड़ा है in right triangle ABC, angle B is greater than angle A, अब एंगल बी क्योंकि ए से बड़ा है तो बी के जो ऑपोजिट साइड होगी यानी कि ए सी दैट इज ग्रेटर देन ए के जो ऑपोजिट साइड है बी सी। ये मैंने ले ली फर्स्ट इक्वेशन। सेम वे में आपका जो एंगल बी है दैट इज ग्रेटर देन एंगल सी, अगेन सेम रीजन क्योंकि एंगल बी 90 डिग्री है और सी जो है वो आपका एक्यूट एंगल है तो बी के ऑपोजिट यानी कि ए सी इज ग्रेटर देन ए बी। लेट दिस बी योर सेकेंड इक्वेशन। अब इक्वेशन वन क्या कह रही है, ए सी बी सी से बड़ा है। इक्वेशन टू क्या कह रही है कि ए सी ए बी से भी बड़ा है। ए सी यहाँ इसने कहा बी सी से बड़ा है, यहाँ इसने कहा ए सी ए बी से बड़ा है। इट मीन्स अगर मैं दोनों इक्वेशन को देखूं तो ए सी जो है वो ए बी एज वेल एज बी सी दोनों से बड़ा है। ए सी जो है वो ए बी से बड़ा बी सी से बड़ा तीन ही साइड है इसकी, तो इट मीन्स ए सी इज द लॉन्गेस्ट साइड और ए सी यहाँ पे क्या है दैट इज द हाइपोटेन्यूज। दोबारा देखो इसको, हमें गिवन है ट्राइंगल ए बी सी, राइट ट्राइंगल है तो हमने एंगल बी 90 डिग्री ले लिया,
अब हमें शो क्या करना है दैट ए सी इज द लॉन्गेस्ट साइड. तो इन राइट ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी क्योंकि 90 डिग्री है तो वो ए से बड़ा होगा, एंगल बी 90 डिग्री है वो सी से बड़ा होगा. एंगल बी क्योंकि ए से बड़ा है तो बी के ऑपोजिट साइड ए सी बड़ी होगी आपकी किससे, बी सी से. थ्योरम यूज कर ली यहाँ पे हमने. अगेन क्योंकि बी बड़ा है सी से तो ए सी जो है वो आपका ए बी से बड़ा होगा. अब इक्वेशन वन एंड टू, इन दोनों इक्वेशन को अगर हम लेके चलें तो बी सी जो सॉरी ए सी जो है हमारी दैट विल बी द लॉन्गेस्ट साइड. इक्वेशन वन एंड टू इम्प्लाइज दैट ए सी इज लॉन्गेस्ट साइड. अब ए सी जो है वो लॉन्गेस्ट साइड, यही चीज हमें प्रूव करनी. So this was your question number one. अब हम question number two पे जाएंगे. Question number two में देखो हमें क्या given है. In the given figure, figure हमें given है. Let me draw the figure first of all. If anyone is having any doubt in this question, you can ask. कोई भी doubt है अगर question number one में, तो you can ask. Otherwise, I'm going to erase this. Now moving on to question number two. Question number two में figure आपको given है, तो just make that figure. Again the even parts will be your homework parts. Now the figure given, triangle ABC और इसको एक्सटेंड किया, इसको एक्सटेंड किया टू द पॉइंट्स पी एंड क्यू. अब देखो क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है. द साइड्स ए बी एंड ए सी ऑफ अ ट्राइंगल आर एक्सटेंडेड टू पॉइंट्स पी एंड क्यू. साइड ए बी को एक्सटेंड किया टू पॉइंट पी, साइड ए सी को एक्सटेंड किया टू पॉइंट क्यू. अब यहाँ ये ध्यान रखो, इन केस इफ द फिगर इज नॉट गिवन टू यू तो भी आप ये ड्रॉ कर सकते हो. कैसे करोगे, आपको गिवन क्या है, साइड्स ए बी एंड ए सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी. तो आपने क्या किया, पहले ट्राइंगल ए बी सी बना ली. अब उसने क्या कहा, साइड ए बी इज एक्सटेंडेड टू पी एंड ए सी इज एक्सटेंडेड टू क्यू. ए बी को एक्सटेंड कर रहे हो तो ए से बी की तरफ आप उसको बढ़ाओगे, यानी कि बी से आप इसको बाहर निकालोगे, ऐसे नहीं करना. सेम वे में ए सी इज एक्सटेंडेड है तो ए से सी की तरफ आप एक्सटेंड करोगे तो ये पॉइंट आपका क्यू आएगा. अदरवाइज फिगर आपको गिवन है, इन केस इफ इट इज नॉट गिवन तो आप इस तरीके से बना सकते हो. उसके बाद वो कह रहे हैं कि ऑल्सो एंगल पी बी सी इज लेस देन एंगल क्यू सी बी. एंगल पी सी बी PBC ये वाला एंगल जो है दैट इज लेस देन दिस एंगल एंड वी आर टू प्रूव वी आर टू शो दैट AC जो है दैट इज ग्रेटर देन AB. मुझे शो करना है कि जो AC है वो AB से बड़ी है. तो अगेन गिवन आप लिख लेंगे, ट्राइंगल ABC हमें गिवन है. AB is extended to point P. AC is extended to point Q. Or angle PBC is less than angle QCB. PBC is less than angle QCB. So proof करना है हमें. To prove AC is greater than AB. अब देखो इसका प्रूफ कैसे करूं. मुझे ये वाला एंगल जो है इससे छोटा गिवन है, यानी कि QCB जो है मुझे लेस गिवन है PBC से. अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर मैं वैसे लेके चलूं तो ये स्ट्रेट लाइन है, तो इट मींस ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री. सेम वे में इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री. तो ये प्लस ये, ये प्लस ये, दोनों का सम कितना हो गया 180.
तो जब हम इसमें उसको पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो हमने क्या किया, हमें गिवन है एंगल पी बी सी इज लेस देन एंगल क्यू सी बी। अब ए पी जो है आपकी दैट इज अ स्ट्रेट लाइन, तो एंगल ए बी सी प्लस पी बी सी दिस इज 180 डिग्री। अब मैं चाहूं तो यहां से एंगल पी बी सी निकाल सकती हूँ, तो मैंने लिया एंगल पी बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल ए बी सी, यहां से ये चीज ले ली। अब पी बी सी इक्वल टू 180 माइनस ए बी सी, इसको मैंने ले लिया इक्वेशन नंबर वन। अब सेम वे में हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर टू हमने लेके चलनी है, बनानी है। तो टू के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगेन ए क्यू जो है दैट इज अ स्ट्रेट लाइन, तो इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा 180 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ए क्यू इज अ स्ट्रेट लाइन, देयरफॉर एंगल ए सी बी प्लस एंगल क्यू सी बी इज 180 डिग्री। यहाँ से मैं क्यू सी बी को निकाल लूंगी, दैट विल बी 180 माइनस ए सी बी। Let this be your equation number two. अब equation one से PBC की value, two से QCB की value, हम इस equation star में put कर देंगे. So put one and two in star. या using one and two in star. तो जब आप one और two को star में डालोगे तो क्या होगा, PBC की जगह आ जाएगा 180 minus ABC. और ये वाला साइन आपका लेस देन वाला एज इट इज, क्यू सी बी की जगह आ जाएगा 180 माइनस ए सी बी। अब 180 से 180 कैंसिल आउट हो जाएगा। एक चीज का बच्चे आपने ध्यान रखना है कि जब यहाँ पे हम टर्म्स को इंटरचेंज करते हैं तो माइनस प्लस साइन बिल्कुल वैसे ही चेंज होते हैं आपके, जैसे इक्वल टू के साइन में होते हैं। अब 180 पॉजिटिव है, 180 पॉजिटिव है तो ये आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्या स्टेप आ गया मेरे पास यहाँ पे, माइनस एंगल ए बी सी इज लेस देन माइनस एंगल ए सी बी। मुझे नेगेटिव साइन नहीं चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, तो इस टर्म को मैं इधर ले जाऊंगी, इस टर्म को मैं इधर ले जाऊंगी, यानी कि मेरे पास क्या आ जाएगा, एंगल ए सी बी इज लेस देन एंगल ए बी सी। अब देखो एंगल ए सी बी ये वाला एंगल है और ए बी सी ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल इससे क्या है, छोटा है। अब क्योंकि आपका एंगल ए सी बी छोटा है और ए बी सी बड़ा है, तो बड़े एंगल के ऑपोजिट साइड आपकी बड़ी होगी, छोटे एंगल के ऑपोजिट साइड आपकी छोटी होगी। तो ए सी बी के ऑपोजिट हमारे पास क्या है, ए सी बी एंगल सी है, इसके ऑपोजिट साइड ए बी लेस देन ए बी सी, ये वाला एंगल है, इसके ऑपोजिट साइड ए सी, तो ए बी इज लेस देन ए सी, यही चीज हमें शो करनी थी, ए बी इज लेस देन ए सी। तो यहाँ पे मैं इसको रीराइट कर देती हूँ, ए सी, यहाँ ध्यान दो ए सी की तरफ मुंह खुला हुआ है, यानी कि ए सी इज ग्रेटर देन ए बी, और वी कैन से ए बी इज लेस देन ए सी। तो मैंने यहाँ लिख लिया ए सी इज ग्रेटर देन ए बी, हेंस ट्रू। इसको दोबारा देखो, फिर दूसरे तरीके से भी, एक और तरीके से भी करवा देती हूँ मैं, जो इजी लगे तो यू कैन डू विद दैट। यहाँ हमें गिवन था ट्रायंगल एबीसी, ए बी को एक्सटेंड किया पी तक, ए सी को एक्सटेंड किया क्यू तक, एंगल पी बी सी लेस देन क्यू सी बी गिवन था, ये प्रूव करना था। ए सी ग्रेटर देन ए बी अगर मुझे प्रूव करना है तो ए सी के ऑपोजिट एंगल बी था, ए बी के अपोजिट एंगल सी था, तो ए सी ग्रेटर देन ए बी मतलब एंगल बी जो है वो मैं शो कर दूंगी कि एंगल बी जो है वो एंगल सी से बड़ा है। तो ये गिवन था मुझे। अब क्योंकि ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन है तो इन दोनों एंगल्स का सम 180,
यहां से हमने एंगल पीबीसी को एबीसी के टर्म्स में लिख लिया कि पीबीसी जो है दैट इज 180 माइनस एबीसी। सेम वे में एक्यू स्ट्रेट लाइन है तो एंगल क्यूसीबी को हमने एसीबी के टर्म्स में लिख लिया। फिर इन दोनों इक्वेशंस को जो हमें एंगल की वैल्यू गिवन थी वहां पुट किया, कैंसिलेशन करके यहां से हमारे पास आ गया कि हमारा जो एंगल है यहाँ से ए सी बी जो है दैट इज लेस देन ए बी सी। अब ए सी बी और ए बी सी, ए सी बी ये वाला एंगल है, ये छोटा है तो इसके ऑपोजिट वाली साइड छोटी होगी, यानी कि ए बी छोटा होगा ए सी से, ए बी इज लेस देन ए सी। तो ये हमें प्रूव करना था। अगर ऐसे नहीं करना तो एक और थोड़ा सा छोटा हो जाएगा वो क्वेश्चन आपका, बट उसमें एक कंसेप्ट आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे इन दोनों को 180 में से माइनस कर दोगे। जब आप 180 में से पीबीसी को माइनस करोगे तो अब यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि 180 में से, जस्ट अ मोमेंट पानी का, मुझे माइनस वन, तो आई नो दैट माइनस वन जो है दैट इज ग्रेटर देन माइनस टू। जब हम नंबर लाइन पे चलते हैं, नंबर लाइन पे जब राइट साइड पे आप जाते हो तो आपका नंबर जो है वो बड़ा होता जाता है। इस साइड पे जाने पे नंबर्स इंक्रीज होते हैं, इस साइड पे जाने पे नंबर्स आपके डिक्रीज होते हैं। तो अब अगर मैंने लिया माइनस वन और माइनस टू, क्योंकि माइनस वन राइट साइड पे है तो ये बड़ा है माइनस टू से, तो माइनस वन इज ग्रेटर देन माइनस टू। अब अगर मैं इनके नेगेटिव साइंस कट कर देती हूँ तो मैंने क्या बना दिया, वन ग्रेटर देन टू, विच इज फॉल्स। क्यों? क्योंकि 2 जो है वो 1 के राइट पे एग्जिस्ट करता है, तो मेरी ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। तो यहाँ क्या होता है आपका कि जब आप नेगेटिव साइन हटाते हो तो आपको ये वाला सिंबल जो है वो चेंज करना पड़ता है। अगर ग्रेटर देन है तो लेस देन बना दो, लेस देन है तो ग्रेटर देन बना दो, फिर वो आपकी कंडीशन सेटिस्फाई होती है। तो ये चीज ध्यान रखना कि जब आपके पास ग्रेटर देन या लेस देन का सिंबल है और नेगेटिव वैल्यूज गिवन है, या आप माइनस वन से मल्टीप्लाई कर रहे हो या डिवाइड कर रहे हो, तो आपको ये साइन जो है वो चेंज करना पड़ेगा। मान लो मुझे गिवन है माइनस एक्स ग्रेटर देन माइनस वाई, जब मैं इनको माइनस का साइन हटाना है, यानी कि या तो माइनस वन से डिवाइड कर रही हूँ दोनों साइड को, या माइनस वन से मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो नेगेटिव साइन हटा के क्या हो जाएगा, ये आपका साइन चेंज हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा। यस आस्था, अनम्यूट योरसेल्फ आस्था। ओके जस्ट अ मोमेंट, वेट। यस विच, एक्सक्यूज मी मैम, मैम 7.4 इज गोइंग ऑन, मैम 7.3 नहीं हुई? जस्ट अ मोमेंट बच्चे, बेटे 7.3 हो चुकी है आपकी, जस्ट अ मोमेंट। ओके यस, मुझे ही थोड़ी सी कंफ्यूजन थी, नो प्रॉब्लम बच्चे, लेट अस फिनिश दिस एंड देन वी विल स्टार्ट विद दैट। ओके मुझे ही, ओके मैम, ओके मैम, थैंक यू, वी विल डू दैट लेटर ऑन, नो प्रॉब्लम, उसका इससे कोई लिंक नहीं है। तो यहाँ पे अब इस कंसेप्ट पे आप दोबारा आइए, हमें माइनस एक्स ग्रेटर देन माइनस वाई गिवन है अगर, तो नेगेटिव साइन जब भी आपको हटाना है तो ये साइन आपको चेंज करने पड़ेंगे। अगर ग्रेटर देन का गिवन है लेस देन कर दो, लेस देन गिवन है तो ग्रेटर देन कर दो। सेम वे में लेट अस सपोज कि अगर मुझे गिवन है दैट माइनस एक्स जो है दैट इज लेस देन वाई, अब अगेन अगर मैं माइनस वन से या मल्टीप्लाई कर रही हूँ या डिवाइड कर रही हूँ तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, फिर जो आपका साइन है यहाँ पे उसको दोबारा से आपको चेंज करना पड़ेगा, तब वो आपकी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। यानी कि इन इक्वालिटी के केस में, चाहे वो लेस देन है चाहे ग्रेटर देन है, चाहे लेस देन इक्वल टू है चाहे ग्रेटर देन इक्वल टू है, जब आप नेगेटिव नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करोगे
साइन ऑफ इनइक्वालिटी जो है वो आपका चेंज हो जाएगा. लेस देन है तो ग्रेटर देन कर दो, ग्रेटर देन है तो लेस देन कर दो. ये कंसेप्ट अब मैं यहाँ यूज करवा रही हूँ आपको कि अगर आप डायरेक्ट इसको करना चाहो रादर देन डूइंग इन द प्रीवियस वे जो मैंने अभी मेथड करवाया था, दोनों में से आप लोगों को जो मेथड इजी लगे जिसको, आप उस मेथड से ये क्वेश्चन कर सकते हैं. अब यहाँ पे जो है मैंने क्या किया, दोनों साइड से माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया. जब मैं माइनस वन से मल्टीप्लाई करूंगी तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी, दिस इज द साइन ऑफ इनइक्वालिटी, इक्वल का साइन नहीं है तो इनइक्वालिटी साइन बोलते हैं इसको. सो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स विद माइनस वन, सो ये बन जाएगा माइनस एंगल पीबीसी, ये बन जाएगा माइनस एंगल क्यूसीबी, और साइन ऑफ इनइक्वालिटी आपका चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन का आ जाएगा. अब मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या करूंगी, एडिंग 180 टू बोथ साइड्स, मैं इसको कन्वर्ट कर रही हूँ एंगल एसीबी और एबीसी में, तो एडिंग 1 टू बोथ साइड्स. अब जब मैं 180 टू बोथ साइड्स, जब मैं 180 दोनों साइड्स पे ऐड करूंगी तो दिस विल बिकम 180 माइनस एंगल पीबीसी एंड दिस विल बिकम 180 माइनस एंगल क्यूसीबी. अब अगर आप फिगर को देखो, तो 180 माइनस पीबीसी, 180 माइनस पीबीसी यानी कि ये वाला एंगल, और 180 माइनस क्यूसीबी यानी कि ये वाला एंगल. तो यहां आ जाएगा 180 माइनस पीबीसी की जगह एंगल एबीसी इज ग्रेटर देन एंगल 180 माइनस क्यूसीबी इज एसीबी. अब एबीसी के अपोजिट साइड कौन सी है हमारी, एसी, और एसीबी के अपोजिट साइड कौन सी है, एबी. तो यही चीज हमें प्रूव करनी थी. आप चाहो तो इसको ऐसे कर लो, अदरवाइज जैसे मैंने प्रीवियस वाला करवाया था, दोनों में से विच एवर मेथड इज कन्वीनियंट, यू फील इज इजी, यू कैन डू विद दैट मेथड. If any doubt is there, you can ask the doubt. Otherwise, moving on to question number 3 now. Same, इसी तरीके से है ये भी. So hint दे रही हूँ इसका मैं आपको, and you will try this question yourself. Given to prove, आप खुद लिखोगे. I'm just giving you the hint of the proof. We are given in this question that in the given figure, angle B is less than angle A. And angle C is less than angle D. ये हमें फिगर गिवन है. This is your B, A, D and C and O. अब हमें वो क्या कह रहे हैं कि एंगल B जो है that is less than angle A. B छोटा है A से. B के ऑपोजिट साइड कौन सी है, ओ ए, और ए के ऑपोजिट साइड कौन सी है, ओ बी. अब एंगल बी इज लेस देन एंगल ए मींस बी के ऑपोजिट ओ ए इज लेस देन ए के ऑपोजिट ओ बी. एंगल छोटा है तो एंगल्स के लार्जेस्ट एंगल के ऑपोजिट साइड इज लॉन्गेस्ट, तो ओ बी बड़ी हो गई आपकी ओ ए से. सेकेंड में वो क्या कह रहे हैं, एंगल सी जो है that is less than angle D. Angle C is less than angle D. So C के opposite OD is less than angle D के opposite OC. Reason आप mention कर दोगे यहाँ पे, side opposite to the bigger angle is the longest, या साइड अपोजिट टू द लार्जर लार्जेस्ट एंगल इज द लॉन्गेस्ट. तो बी के जो है वो अपोजिट आपकी साइड ओ ए थी, ए के अपोजिट आपकी साइड ओ बी थी. एंगल बी क्योंकि लेस देन एंगल ए गिवन है तो ओ ए जो है वो ओ बी से लेस आ जाएगा. एंगल सी एंगल डी से लेस गिवन है तो ओ डी जो है वो आपका ओ सी से लेस आ जाएगा. अब हमें इसमें प्रूफ क्या करना है, वॉट वी आर टू प्रूफ दैट ए डी इज लेस देन बी सी. अब यहाँ ध्यान दो, ए डी जो है दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ओ ए एंड ओ डी, बी सी जो है दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सम ऑफ ओ बी एंड ओ सी. अब अगर मैं यहाँ देखूं, ओ बी बड़ा है ओ ए से, ओ सी बड़ा है ओ डी से. लेट दिस बी योर इक्वेशन वन, दिस बी योर इक्वेशन नंबर टू. साइन दोनों का सेम है तो हम इनको एड कर सकते.
सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट में ऐड होगी, राइट हैंड साइड राइट में ऐड होगी. देखो अगर मुझे गिवन है 3 इज लेस देन 5 और यहाँ मुझे गिवन है 2 इज लेस देन 7, इनको अगर मैं ऐड करती हूँ, ऐड करने पे क्या होगा, 3 प्लस 2 5, सेम सिंबल है, 7 प्लस 5 12, तो 5 इज लेस देन 12 विच इज ट्रू, सेम यहाँ होगा. मुझे वो कह रहा है ओ ए जो है वो ओ बी से छोटा है, ओ डी जो है वो ओ सी से छोटा है, तो एडिंग 1 एंड 2 जो लेस देन वाली साइड है वो ऐड कर दो, ओ ए प्लस ओ डी इज लेस देन ओ बी प्लस ओ सी, ओ ए प्लस ओ डी इज ए डी इज लेस देन बी सी, और यही चीज जो है वो हमें प्रूव करनी है, शो दैट ए डी इज लेस देन बी सी. सो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 3. सो ये अपने होमवर्क में करना है, क्वेश्चन नंबर 2 एज वेल एज क्वेश्चन नंबर 3, बोथ क्वेश्चंस यू आर टू डू इन योर फेयर नोटबुक. इफ एनी डाउट इज देयर इन दिस क्वेश्चन देन यू कैन आस्क द डाउट्स, अदरवाइज द नेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चंस वी विल डू टुमारो एज द टाइम इज ओवर. कोई डाउट है तो यू कैन आस्क.